अभी हम लोग सब संतन की भी पाठ पढ़ी कि नहीं? हेलो हेलो, बहुत किया मन में हो रहा है, देख रहे हैं कि चर्चा फिर सत्संग हम रात में बताए थे, हल्ला हल्ला रात में बताए कि एक पल्लव हो तो सबको प्रकाशित कर देता है कि नहीं? हजार आंख को बंद करके सबको अंधा ना हो सकता, अंधा बनाना मात्र एक ही पल्लव को बुझा देने से हजार आंखों को अंधा हो जाता कि नहीं? परमात्मा भी ऐसा ही है कि एक ही ईश्वर है, वो अगर हम लोग से बंद हो जाए तो हम लोग बेकार हो जाएंगे कि नहीं? बोले शंकर भगवान की, सतगुरु महाराज की जय, श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी। पाठ में एक नंबर में आया, ओम योजनम प्रथम तत्व सुवर्धियम अग्नि ज्योतिम पृथ्वी व्यावर्त्यम। वेद भगवान उपदेश कहते कि हे मनुष्य, जगत सृष्टिकर्ता ईश्वर तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग तथा मानस योग अच्छी तरह धारण करना चाहिए। तो बोले शंकर भगवान, हमें बुद्धि नहीं होगा तो शिव चर्चा कथा सत्संग अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, बुद्धि भगवत गीता में लिखा, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? इस सारे के हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। ये बुद्धि नहीं कि चोरी कर लिया, बुद्धि यहाँ जो हर बातों को नमनता भाव से, भावना और विचारों को जगत का उसे सकरण कर ले, मन में भाव अपने में दूसरी के मन में केवे बाबा को जोर करके वृद्धि करना बुद्धि कहते। बोले शंकर भगवान की। सेठ जी बताया एक ही किलो चीनी लाना है, चीनी का दाम ना बढ़ गया, अब फिर तो एक सत्ते का लेकर गए हैं, फिर तो चीनी के पैसा लेकर घूम कर आएंगे तो होगा? नहीं नहीं, ये बुद्धि लगाए कि सेठ जी 100 ही रुपया दे तो क्या हुआ, दुकानदार से विनम्र भाव कहेंगे कि सेठ जी इतना ही दिया, भाग गया क्या पता था? तो भाव गिर गया तो हम लोग को क्या पता है, तो थोड़ा सा दे दे, ये हम लोग का क्या हो गया? बुद्धि हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। तो सत्संग में आए बुद्धि का यापन नहीं करेंगे, यहाँ बैठे बाबा, बुद्धि का यापन नहीं करेंगे तो हम लोग का होगा नहीं। इसीलिए सत्संग सुनने आया, बहुत दूर कहाँ था सत्संग, खाने के लिए बुलाया। अरे खाने के लिए बुलाया तो सुनियो, लोग तो कौन कहता है कि सत्संग खाने के लिए बुलाया। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए जगत प्रश्न करता ईश्वर बुद्धि योग बराबर सत्संग।
सत्संग। तो क्या हमारे श्री संतमत में ही बुद्धि की जरूरत है कि हमारे चर्चा में, हमारे शिव कथा में, हमारे राम कथा में, हमारे भागवत कथा में की जरूरत है कि नहीं? हाथ उठाए की जरूरत है कि नहीं? तो फिर हमें अंतर कौन चीज के लगते हैं सत्संग और चर्चा कथा? बुद्धि तो हर जगह, वाणी तो हर जगह, प्रवचन तो हर जगह कि उसी की जरूरत होता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब हमारी शिव संहिता आई, हमारी शिव संहिता में पार क्या आया है? नमः शिवं कृष्ण न कुमत सदृशवरम ना खेचरी समम त्रिनाथ सदृशले ना सिर सम आसन कुम सेवल ना खिचरी समान मुद्र त्रिनाथ तुल्य लय। कितनी सुंदर की बात जैसे कर गया, कितनी सुंदर की बात हम लोग के बीच में आया है। क्या शिव संहिता सत्संग योग भाग एक आपका आसन, आपका मन, आपका शरीर पवित्रता नहीं होगा, शरीर की भावना नहीं होगा तो भक्ति सुहाना नहीं लगेगा। बजा चाहिए हो कभी हाव हो लगे राव हो। बोले शंकर भगवान की जय। क्या हमें मन लगेगा ना सिद्ध सम मने बराबर आसन कुंभ सम बहला खिची कोई भी सत्संग सुनने से, कोई भी चर्चा सुनने से, कोई भी सत्यनारायण पूजा करने से, कोई भी भागवत कराने से, कोई भी कथा करने से पहले शोध की जरूरत होता है कि नहीं? क्या शोध की जरूरत होता है? शोध की जरूरत है। आप हम कोई भी लोग सुन कीर्तन करवा, बच्चे की चिट्ठी करवा, तो पहले नहा धा घर द्वार धो शुद्ध हो गए, फिर उनके बाद पवित्रताओं से शुद्ध हो गए, कीर्तन को दूर दूर थोड़ा बना दिया, भोजन बनाते हैं क्या बर्तन को मांजते कि नहीं मार मार बर्तन मांजते हैं, चूल्हा चक्की को नीप पोत करते हैं, अच्छी तरह से सब्जी को धोते, अच्छी तरह से चावल को धोते हैं, इस तरह से करते कि नहीं? तो भगवान शिव ने हमारे पुराण में विभिन्न संहिता में और हमारे महर्षि गुरुदेव भगवान ने श्री सद्गुरु महाराज ने लिख कर वही बात गया शिव संहिता में कि पहले शरीर शुद्ध कर लेना चाहिए, पहले मन शुद्ध कर लेनी चाहिए, मन के साथ 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 हमारे सगुण भक्तियों को भी शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? घर में रहते हैं, घर में धूल झाल, घर में मुंह से चूहा मिट्टी, घर में अच्छी तरह निपा पाता नहीं, जिस जगह में रहते हैं उस जगह को शुद्ध नहीं करोगे मन लगेगा बराबर, जिस जगह में सत्संग कराते हो जगह में निपा पाता झाड़ू नहीं करोगे, गंगा जल न छिड़कोगे तो सुनने में मन लगेगा। इसी तरह से हमारे गुरुदेव ने कहते हैं कि भगवान शिव कथाओं में बैठने से पहले हम लोग शुद्ध विचार करते कि नहीं? बोले शिव महापुराण शिव कथा की जय। इधर आ जाना, किसकी जरूरत है हम लोग को शुद्ध विचार? नहीं, अब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग राम कथा वाले हैं, हम लोग लगते हैं चर्चा वाले हैं, हम लोग लगते हैं तो खरन स्वामी हैं। संसार में जो भी नाम अलग ही होगा, पानी पियोगे एक ही, चाहे तो पंथ को बदल दो, कंपनी को बदल लो, प्रोडक्ट ही होगा। बोले शंकर भगवान की जय। चाहे तो प्रोडक्ट का नाम अलग कर लो कि नहीं?
भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि अच्छे मनुष्य बनना है, अच्छे शिव बनना है तो अपने मन को पवित्रता करना। और हम लोग मांस मछली दारू भांग गाजा और बैठते हैं बैंड बाजा चर्चा गाएंगे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा चर्चा। तुम ही करो कि शिव चर्चा और सत्संग क्या अंतर है तो बोल दीजिए। वाणी से अंतर लगता है, नाम से तुम व्यवहार से हम लोग अंतर कर दिए हैं। हम अपने मन से सोच से विचार से अगर अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे तो सत्संग और चर्चा में हमें अंतर लगेगा। बोले शंकर भगवान नाम अंतर है, एक आपका एक ही नाम है। क्या नाम है? जो भी नाम समृद्धि की गंगा हो तो नाम थोड़े बदले कि लाल बुखारी समृद्धि आ गया बदले। नाना के घर आ जाओ तो गुरुवार वाला थोड़े कहेंगे। बाकी शब्द ऊपर से लगा दिए दूसरी बात है ठीक है। एक परमात्मा तुम्हारे माँ बाप जो जीवी में नाम लिख दिया या थाना नाम है वही नाम अमर रहेगा। उसी तरह से गुरु से जो दीक्षा ली संत से राम से शिव से कृष्ण से एक ही नाम को रखे चर्चा में सत्संग में एक ही नाम को जपे एक दृढ़ नाम विश्वास एक ही नाम हे गुरु हे शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जो आपको गुरु यथा मंत्र मिला है एक ही नाम को जाप करना और परमात्मा शिव के दरबार में सत्संग जरूर सुनना। बोले शंकर भगवान की जय। तो हमें यही बात है यंग कृति सदा ध्यान दम गुपम पूर्व जन्म कीर्तम विनिविते। भगवान शिव ने कहते हैं हमारे सिद्ध पुराण में भी यही बात लिखा है कि हमारे सत्संग योग भाग कि ध्यान करने से अज्ञा चक्र कमल के फूल की तरह बहने करके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। क्या होगा? ध्यान करने मात्रा से और हमारे चर्चा वाला हमारे और कुछ वाला कहते ध्यान 108 वाला मर जाता है। भगवान शिव जी 87,000 प्रश्न ध्यान कर सकता है। इनके शिष्य अगर कहेंगे 108 वाला मल्ला जब लाजो लगेगा क्यों नहीं लगेगा? जो हमारे श्रेष्ठ गुरु शिव को ही मानते हैं ये इतना ध्यानी पुरुष परमात्मा होकर इतना प्रश्न ध्यान कर रहे हैं और इनका शिष्य कहते हैं 108 बार जब लाज लगेगा। गुरु हमारे नीचे सीढ़ी पर चढ़े हैं तो हम आधा सीढ़ी तो चढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? भगवान शिव ने यही लिखा है, पुराण में भी वही लिखा है और गुरु महाराज ने ऐसे सोच करके पानी को निकाला कि सर्वदा गोपित करके अज्ञा कमल चक्र ध्यान करता पूर्व जन्म कर्म फल निर्विघ्न पाप। कैसे हम लोग को बैठना चाहिए? शिव कथा चर्चा अपने अपने घर में आसानी लाकर अपने घर जो दिया है घर पर जो जितना हमारे लिए ओर से जितना हमारे समाज की ओर से एक एक जरूर अपना घर से छोटा सा गमछा जरूर अपना घर से कोसी कंबल बल चटाई ना पैसा वाला ना समझते हैं। पुराण में कहते हैं कि एक सीमित माटी थोड़ी को ही धो धा करके बनिया जैसा रखकर वही आसन डेली ध्यान उस आसन में किसी अपनी नींद आधा को बैठने दीजिए। हम अधिकतम ज्ञानवान ध्यानवान बुद्धिमान विवेक वाला बैठेगा तो उस आसन का प्रभाव पड़ेगा और हमसे नीच वाला बैठेगा तो हमका प्रभाव गलत पड़ेगा। बोले शंकर भगवान यही सिद्ध पुराण में भी लिखा हुआ है कि ध्यान को अच्छी तरह से दहना हाथ ऊपर बायां हाथ ऊपर इसी तरह से सिर्फ कथा भी सुनने को एक लंबी कथा सुनने की दूरी की
दूर से जो मेरे भक्त आए स्वर्गत आए कि लगता है कि हमारे जगह में कथा हो रहा शिष्टाचार। अब कोई बैठेंगे पैर माथा में, कोई ऐसे तो कथा सुने मन लग लग, कोई ऐसे सट कर बैठेंगे, कोई यहाँ पर वहां चढ़ा कर बैठेंगे मन लग लग, हमें मन लग रहा पड़ोसी वाला को मन नहीं लग रहा, जान पर जान चढ़ावा उनको करुणा आ गया। अब हिलेगा डोलेगा मन भागेगा कि नहीं भागेगा, मन भागा तुम्हारा मन भागा कि नहीं भागा। तो इसी से पुराण में भी लिखा है कि जब भी भाषा सुने बैठो तो चार अंगुली दूर, एक तो नरेंद्र मोदी भाषा करके करुणा सत्य खीर, एक मीटर रहो दूर खीर कि नहीं। तो हम भी पुराण में यही बात कहते हैं कि आस्तीन से मन से शांति से चार अंगुली दूर में अगर हम लोग बैठेंगे जगह है तो वहां हमको कथा सुनने में अति प्रिय लगेगा। बोले शंकर भगवान की जय। पैर शुद्ध कर, बगल में टीवी लगी है, जो कथा कराते हैं चर्चा कराते हैं जरूर पानी की व्यवस्था रखवा देना चाहिए कि नहीं। बैठ 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 अगर मच्छर भर तो बोले बोले अब बैठ 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 बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए हम लोग को भगवान शिव ने कहते हैं कि शुद्धिकरण के विचार से भावनाओं से कथा पर अगर यदि बैठे शिव पुराण में लिखा सारे बात क्या लिखा है और हमारे युग में भी लिखा है कोनो अंतर लग रहा है बताया अंतर लग रहा है पुराण में कि हम कथा करा रहे हमारे घर वाला करा रहा हमारे गांव वाला करा रहा है ट्यूबवेल नहीं है तो पानी की व्यवस्था दे देना दूर दराज से स्वर्था कर आए कीचड़ माटी कहां क्या लग गए पैर हाथ मुंह कुलकुला लाती खनी खनी का भी त्याग करके बैठेगी बैठ करके कथा में अति प्रिय बिछावन की स्वीकार कर देंगे कि नहीं। बैठे के मन से सोच से भाव से तो कथा सुनने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। बोले शंकर भगवान अगर उस कथा के पंडाल में भी पीट करके आकर करके वो खैनी बीड़ी पी सिगरेट पी दारू गुटखा मांस खाती खाएं तो काका का प्रभाव हुआ कि बीड़ी का प्रभाव हुआ। हमें नहीं कहते हैं कि तुम्हें सिगरेट छोड़ता नहीं, कम से कम भगवान का आदेश है कि तीन घंटा होगी सत्संग, एक घंटा होगी सत्संग, एक मिनट नहीं होता है आधा ही मिनट होता है, उन समय में भी तुम तो ब्रह्मचारी रह जाइए थोड़ा सा। तो अब अगले जगह पर भी तो तुमको धीरे धीरे कथन पीढ़ी सिगरेट छूटते जाएगा और चर्चा करेंगे कथा करेंगे वही दारू वही बीड़ी वही चाय वही सिगरेट पिएंगे इनका प्रभाव असर पड़ा। बोले श्री महापुराण की जय। इसलिए सज्जनों हम जानते हैं कि आप नहीं छूटेगी ये आदत, एक बैग नहीं छूटेगा कि परमात्मा के दरबार तीन घंटा के लिए आए हैं तो तीन घंटा तो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे तीन घंटा छह घंटा सात घंटा आठ घंटा नौ घंटा बढ़ते बढ़ते चौबीस घंटा छूट ही जाएगा। बोले शंकर भगवान। इसलिए भगवान शिव ने कहा है कि शुद्ध करना जरूरत है। अब हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है सिर कपालम रुद्राक्षम विप्रमचितम यदा तदव ज्योति प्रकाशाद विद्युति पुंजन से प्रभा एतन चिंतन मात्र पापम संचे भवते दुराचारी पुरुष लभते परम पदम। बोले शिव महापुराण की जय। भगवान सिर, भगवान शिव के कै गो हाथ, कै गो तीन की साली किए रहे भगवान शिव के तीन आंख, तो क्या आपका तीन आंख नहीं है? एक बार सोचो तो तीन भी क्या दो भी आंख नहीं है? आंख होता भी कभी भी मास्टर के पास नहीं गई पढ़ने को,
कहेगा कि यहाँ है चिट्ठी आई है भरजा से पढ़ 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 पाओ क्यों नहीं पढ़ पाते आंख तो दो गए भगवान तो दिया क्योंकि गुरु से हम लोग को ज्ञान मिला इसलिए हम लोग का एक आंख सतगुरु के पास गुरु के पास समझ गई घर में काम काज विवाह उसी करते थक गई लेकिन भगवान किसी शिष्य किसी परिवार किसी संत से मिलन नहीं होने के कारण से हम लोग का भक्ति का दिमाग नहीं खुला है इसीलिए वही चीज में हम लोग सोया हुआ कि नहीं साधु से गुरु शिष्य से मिलते ही गुरु भाई भाई बहना बन ही जाएंगे तब हमको लगेगा कि हम किस चीज के शिष्य हैं अगर नहीं मिला नहीं जुड़ा तो हमको क्या लगेगा बोले शंकर भगवान की तो इसे भगवान शिव के तीन आंख तो कैसे तीसरा आंख खोलेगी ध्यान कैसे ध्यान भगवान बिजली जैसे चमकता आए जो ध्यान करेंगे हम लोग दृढ़ आसन लगा करके दहना हाथ ऊपर दहना पर ऊपर शरीर सीध करके इंगला पिंगला सुषमाओं के बीच में सीध करके और भगवान शिव का स्मरण में लगा जाए भगवान शिव की स्मरण करते 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 भगवान की जो तस्वीर देख रहे हैं राम की कृष्ण की शिव की जो भी देख रहे हैं उन तस्वीरें भी कठिन होते जाएगा करते करते वहाँ पर एक ज्योति का दर्शन होगा बिंदु ज्योति वही वही प्रकाशित हो जाता है वही वही किस हो जाएगा तो आप कौन भगवान राम भगवान शिव अलग लगा नहीं समझे तो इस तरह से अगर भगवान शिव गले काट हाथ काट कमर काट काटते काटते सब सब चले जाएंगे क्या बचेगा थोड़ा सा बिंदु कोई भी हम लोग गरीब के पड़े पड़े कोई भी रेखा खींचने से पहले बिंदु हो जाता कि नहीं यही बिंदु से अनेक रेखा होता है उसी बिंदु ध्यान पर लंबित हो जाए चाहे राम का ही नाम लेकर के तो उसको वो भवसागर का कहने की ताप लाल नाम ले लाल नदिया के ध्रुव से आए हमें समुद्र में समाना ही पड़ेगा उसी तरह से लाल कुछ भी हो बिंदु पर ही आकर देखना पड़ेगा वही ज्योतिष बनेगा वही हमारे शिव स्वरूप हो जाएगा वही राम स्वरूप वही कृष्ण स्वरूप जो जिस प्रकार से हमारे रोशनी कोई रूप में नहीं है जिस प्रकार से हवा हमारे कोई रूप में घुसाई वही रूप हो जाए हवा को बेलू में वो बेलू आकार होगा हवा को टीप में घुसाए टीप आकार होगा हवा को जिस भी आकार में बदलेंगे वही आकार होगा जब हमारे ज्योतिष एक ही रूप दर्शन होगा तो वही आकार का हो जाएगा बोले शंकर भगवान की जो सच्चा शिव जी की दर्शन हुआ इसीलिए हम लोग भगवान शिव की कथा में भगवान शिव की भक्ति में हम लोग बैठ के बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगा कि नहीं कहता दिन को हरि सुमिरन करो रेण जागा कर ध्यान भोगी राति भोजन करो तजी सो भोग है तो भोजन करो कि नहीं नींद है तो सो जाइए नहीं नींद है तो जागते भूखे आदमी को कुरकुरिया मुड़ी भी अच्छा लगता है जलिया लाल भी अच्छा लगता है नहीं नूंदे नहीं दिल में सूखा मुड़ी भी अच्छा लगता है आज जिसको भूख रहे हैं रसगुल्ला लो पनीर लो खाजा जाता यू सिखा देते रसगुल्ला मीठा नहीं एक्स्ट्रा अच्छा ऐसा जो बहुत करियो झाल कहता भक्ति उन्हीं को सुहाता है जिसके अंदर सो जन्म की पाप नष्ट हो गई है भोजन उन्हीं को सुहाता है जिसके सो की बुखारे नष्ट हो गई है वही अच्छा भोजन लगता है जिनके अंदर सो जन्म का पाप भरा हुआ है उसको सत्संग भजन चर्चा कीर्तन क्या क्या देगा बोले शंकर भगवान की सुहाना देगा सर सौ जन्म का पाप अंदर में बैठ गया है अब कहे भजन गाए चर्चा गाए कीर्तन गाए हमको सुहाना देगा नहीं
इसी तरह से हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि चर्चा उन्हीं को सुहाना देगा, हरि कथा उन्हीं को सुहाना देगा जिसका एक लाख जन्म का पाप नष्ट हो गई है। कि कोई पाप नहीं बचा, कोई दुखार नहीं बचा, उन्हीं को सुखा भोजन सुहाना देगा। अरे भूख नहीं है तो आपको कुछ सुहाना नहीं देगा। हमारे सत्संग युग में लिखा है, हमारे शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, बोले शिव महापुराण की। ध्यान करो, जप करो, भजन करो, लागे जो नहीं शारदा दो पर पिछड़ी पर। अभी नहीं टेम पा रहे, प्रभु क्या कहते हैं, अभी टेम नहीं पा रहे हैं, उस समय इस समय उन समय नहीं पा रहे हैं, शाम नहीं तो भूख नहीं, सो नहीं, एक एक पल पर सोने के समय तो पा रहे हैं, उस समय नहीं। प्रेम करने वाला को पूछना और प्रेमिका से पूछना, दिल झटपटता ते रहता कि कब बात करूं वान वान मेरे साथ, और रोपा रोपने में मस्ती रह गया, उसको टेम नहीं पाता है तो जरूर किसी न किसी तरह से बात कर ही लेता है। तो हमारे शिव पुराण भी वही बात कहता है, अगर हमें शिव ईश्वर से राम से प्रेम हो गया है, चाहे रोपा का खेत में हो चाहे क्यों ना हो, जरूर हम शिव से भजन का ही नहीं। बोली शंकर भगवान की जय। जिस तरह से सच्चा प्रेमिका ऐसे करता है तो उसी तरह से सच्चा प्रेम अगर ईश्वर से करेंगे तो ईश्वर दर्शन देगा। जो प्रेमिका है प्रेम नहीं करता उससे पूछ ले, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मित्र आते हैं, पूछते काहे कहते कवर रहा नहीं पल पल, हम लोग क्या एक खपड़ी भूसा ले पाता रह जा कि फिर भी नहीं रहा। तो परमात्मा जाल से भी बांधे, झिझी से भी बांधे, किसी न किसी रूप में बात हमें करना होगा। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे भगवान शिव पुराण में भी लिखा है, जब योग शिव पुराण से हम पाठ सुनाए, हमारे सत्संग योग है सामने में और शिव पुराण भी है, हम दोनों तरफ से बात आना होगी, जिसे अलग अलग है तो परमात्मा से क्षमा मांगना माफ करना, लेकिन जरूर सवाल पूछना कि अलग अलग लग रहा है। हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ जाप ध्यान, मानस ध्यान, मन ध्यान, कि नहीं जो हमारे शिव पुराण पढ़ा है तो उन्हें ज्ञान चार बोल बोल कर कैसे बोल 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय, जो से ताली ताली है ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय। कहे खुदा न करे कृपा, बैठे उनके दरबार राम राम में घोषणा नहीं है, नहीं बोलो महापति महादेव, लगता है वो पैंतीस है अब जोर से बोलो को के मार तो नहीं देंगे, तो बोले हरा हरा कुछ पावर लगता है चार जब बोले शंकर भगवान,
गंगा धरा शिव धाम शिवाले
अपने आप पर शुद्ध नहीं करेंगे तो दूसरे को भजन गाकर सुना देंगे तो कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने आप कभी अच्छे विचार की भावनाओं को ठीक ना करेंगे, दूसरे को कुछ ठीक खिलाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। साधु दर्शन पुण्य, साधु दर्शन देखते देखते पुण्य इसलिए हो जाता है क्योंकि साधु का व्यवहार का नियम है कि वह अपने आप को शुद्ध रहता है। तो हम लोग भी नीचे में बैठ कर देखते देखते पुण्य हो जाता कि वह भी मनुष्य का बच्चा, मैं भी मनुष्य का बच्चा, यह ऊपर में हम नीचे में क्यों बैठे हैं। इतना ज्ञान हो जाता तभी हम लोग का सत्संग का प्रभाव पड़ जाता है कि हम क्यों ना ऊपर बैठ पाते, हम क्यों ना भजन गा नहीं पाते। इसमें भी कला, हमें भी कला, हम भी कोई ऐसी गलती है कि हमें भजन नहीं पाते। बात यही छिपा गया कि हमें गुरु की संगति कारण से कला है। बोले शिव महापुराण की है, इसलिए शिव पुराण में कहा गया है, नित्य परिचित सत्संग कर ले प्यारा, तेरे कार्य शरीर सारा, किन्हें दशरथ द्वारा बीबी के पीछे। भगवान ने कहते हैं कि ये तुम्हारा दशरथ द्वार को पार हो जाएगा। ये नौ द्वार है कि नहीं, नाक आंख कान जीभा लिंग गुलाब कि नहीं, ये दस द्वार, ये दसों द्वार माया की जाल की बंधन है। नौवां द्वार माया की बंधन है, दसवां द्वार पार करने के लिए ध्यान स्मरण भक्ति गुरु का शरण करना होगा। गुरु की शरण कर लिया, भजन कीर्तन गाना सीख गया तो थोड़ा सा दसवां द्वार का दर्शन करेगा, यानी केवल के पास तब तो हमें भजन गाने की मन, तब तो हमें चर्चा करने की मन। अब जो हम ध्यान में लीन होगा, मगन होगा, सुनने में अत्र गति तीसरे गति से उनका मन को भगवान दर्शन लगने के लिए समय मिलता है और प्रभु का हरि के नाम